हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अंडर वाटर एक्सप्लोजन सरफेस एक्सप्लोजन से ज़्यादा खतरनाक क्यों होते हैं। तो ये वीडियो फिजिक्स के फिनोमिना पर डिपेंडेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इमेजिन करो कि आप सुबह सुबह अपने स्विमिंग पूल में रिफ्रेशिंग स्विमिंग कर रहे हो और अचानक से कोई आकर उसी स्विमिंग पूल में आपके फ्रंट में हैंड ग्रेनेड फेंक कर चला जाता है, और हाँ, उसका सेफ्टी लीवर आपके पीछे डूबा हुआ है। और अगर आपने अपनी स्कूल में फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ रखी है तो आपको डेंसिटी यानी घनत्व के बारे में ज़रूर पता होगा। आपको शायद लगेगा कि पानी का घनत्व हवा से ज़्यादा होता है, जिसके कारण ग्रेनेड के शार्पनल यानी कि मेटल के छोटे छोटे टुकड़े आप तक नहीं पहुँच पाएंगे और आपको कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सही हो, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। हाँ, यह सही है कि शार्पनल यानी कि मेटल के छोटे छोटे टुकड़े आप तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन इस मेटल के टुकड़ों के अलावा भी कई जानलेवा इफ़ेक्ट्स हैं जो अंडर वाटर एक्सप्लोजन में होती हैं, जो आपको जाननी चाहिए। तो वो सब जानने से पहले हम क्या करेंगे, पहले ग्रेनेड की वर्किंग मैकेनिज्म जानेंगे। ग्रेनेड हो या फिर कोई भी एक्सप्लोजिव हो, वो काम कैसे करता है वो हमें पहले पता होना चाहिए। तो देखो, एक्सप्लोजिव के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं, और इसकी वजह से जब हैंड ग्रेनेड फटता है तब गैस की सुपरहीटेड वेव्स उसमें से निकल के बाहर आती है, जो बहुत ही तेज़ी से आगे की ओर बढ़ती है। तो ये आगे की ओर बढ़ती हुई एक्सपांडिंग वेव्स को हम प्रेशर वेव्स के नाम से भी जानते हैं, और अगर ये प्रेशर वेव्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो ये साउंड बैरियर को भी तोड़ सकती हैं। अब हम यहाँ पर दो परिस्थितियों की बात करने वाले हैं, पहली जब ग्रेनेड सरफेस पर फटेगा और दूसरी जब ग्रेनेड पानी के अंदर फटने वाला है। जब ग्रेनेड एक सरफेस पर एक्सप्लोड होता है तब उसके पास इतनी पावर होती है कि वो आपके पैरों को तोड़ सकता है, आपके पूरे शरीर को जला सकता है, और हाँ, वो शार्पनल यानी मेटल के टुकड़ों को बहुत ही तेज़ी से आगे की ओर भेज सकता है। और ये वेव जब एयर के थ्रू ट्रैवल करती है और फिर किसी चीज़ से टकराती है तब मेजॉरिटी ऑफ वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डेंसिटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब इतनी पावरफुल शॉक वेव आपसे टकराती है, इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो गैस है उसका कुछ हिस्सा कंप्रेस हो जाएगा। वो कंप्रेस्ड गैस आपके लंग्स, कान, ब्लड वेसल्स एंड आपकी आंतों को बहुत ज़्यादा हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, और शायद वो डैमेज दोबारा कभी ठीक ना हो सके। ये वाला एक्सप्लोजन ऐसे एटमॉस्फेयर में हुआ था जहाँ एयर कंप्रेसिबल है, इसलिए डैमेज रेंज भी कम हो जाता है। एक्चुअली ये डैमेज कम तो नहीं है, लेकिन यहाँ हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, ये डैमेज कम है। अब बात करते हैं कि बॉम्ब अगर पानी के अंदर फटता है तो क्या होगा। आपको तो पता ही होगा कि वाटर इनकम्प्रेसिबल है, यानी दबनीय नहीं है, दब नहीं सकता है पानी। टेक्निकली बात करूँ तो ये कंप्रेसिबल है, लेकिन थोड़े से भी पानी को दबाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। अब जब वाटर कंप्रेसिबल ही नहीं है तो वाटर शॉक वेव एंड प्रेशर वेव को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, जैसा एयर ने कर दिया था। अब पानी के साथ जो प्रेशर वेव आ रही है वो जब तक आपकी बॉडी के साथ नहीं टकराती तब तक स्लो नहीं होने वाली है, और टकराने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होगी, बस थोड़ी सी स्लो होती है। अब ये वेव आपकी बॉडी से जब टकराएगी उसी टाइम पर वाटर एंड आपकी बॉडी की डेंसिटी सिमिलर होगी, जिसके कारण रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा। अब यह वेव जैसे ही आपकी बॉडी को हिट करता है, इंस्टेंटली उसी टाइम पर आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एयर है सारी की सारी कंप्रेस हो जाने वाली है, और इस बार इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होने वाली है, क्योंकि इस बार ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट टूट सकते हैं, आपके फेफड़े फट सकते हैं। आपको इतना डैमेज करने के बाद भी, भगवान न करे, जब वेव आगे जा रही है तब उसे कोई सरफेस मिल जाती है तो ये लौट कर वापस ही आपकी तरफ ही आने वाली है, और वापस से आपको उतना ही नुकसान पहुंचाने वाली है। अगर आपको कभी फ्यूचर में सरफेस और वाटर के बीच चूज़ करने को कहा जाता है तो आप वहाँ खड़े रहकर अपना ज़्यादा दिमाग चलाने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। जितना फास्ट आप भाग सकते हैं भागो, क्योंकि इसी में आपका फ़ायदा है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तो आपको वीडियो से जुड़े फैक्ट्स याद रहेंगे। क्या आपको पता है कि समुद्र की गहराई क्या है? अगर नहीं पता है तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है उसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।